नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बिरसिंहपुर अंतर्गत ग्राम बरहाई में हुआ बड़ा सड़क हादसा। जबलपुर से शहडोल की तरफ जा रही थी कार गड्ढे से अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। कार इस कार में चार पुरुष एक महिला सवार थे। भीषण सड़क हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, उपचार के लिए बिरसिंहपुर पारी लाया गया, जहां उपचार उपरांत तत्काल घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से शहडोल रेफर किया गया। चार दिनों के भीतर तीन भीषण सड़क हादसे हुए हैं। इस सड़क हादसे में 16 वर्ष की युवक की हालत गंभीर है। अभी जो एक हादसा हुआ है, कैसे हुआ है उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये NH78 उमरिया शहडोल मार्ग पे स्थित ग्राम बरहाई के आगे एक टर्निंग थी। वहाँ पे नेशनल हाईवे है जो अपना शहडोल कटनी, वहाँ पे एक गड्ढा था। गाड़ी लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रही और वो गड्ढे से कूदने के बाद अनबैलेंस हुई और जाके एक पेड़ से टकराई, जिससे हादसे में एक छोटा सा बच्चा है जो बालक है 14 साल का, उसके सीने पर बहुत ज़्यादा चोट आई, जिसको रिफर कर दिया गया शहडोल मेडिकल कॉलेज। और बाकी जो है चार लेडीज हैं, उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनको भी भेजा जा चुका है। ये कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले? जबलपुर से आए हैं, शहडोल किसी फंक्शन में जाने वाले थे और वही रास्ते में एक हादसा हो गया NH78 पे स्थित ग्राम बरहाई पर। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। नाम है डॉक्टर अंकित आचार्य। सर, जो भी हादसा हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं? एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था अभी, ठीक है। बच्चे की हालत बहुत गंभीर है, उसके सिर पे चोट लगा है। यहाँ पे सीटी की व्यवस्था ना होने के कारण हमने उसको शेड्यूल मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया है, ठीक है। बाकी परिवार वाले ठीक है। एक आदमी को पैर पे चोट लगी है, उसका पैर में फ्रैक्चर लगेगा, उसका सुविधा यहाँ नहीं है, उसके लिए शेड्यूल ही जाना पड़ेगा। सर, कितने आदमी थे? टोटल 5 आदमी थे, ठीक है, जिसमें कि एक बच्चा था, उसके माता पिता थे, दो आदमी बाहर गए थे। सर, ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले तो मुझे पता नहीं, रहने वाले किधर के थे, लेकिन एक्सीडेंट का केस था तो मैंने तुरंत उसको अटेंड किया। उसी बारे में जो भी उनको बेसिक ट्रीटमेंट चाहिए वो मैंने दिया और फिर उनको आगे रेफर कर दिया। ओके।